हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग सीएचएसएल 25 मार्च का सिर्फ थर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जर्मन सिल्वर कंटेन, ये क्या कंटेन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकल। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए, इडुकी डैम से एक क्वेश्चन आया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इडुकी डैम कहाँ पर है? तो ये केरला में है। और किस रिवर पर है? ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो पेरियार रिवर पर है। और ये इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया। ये भी देख लीजिए कि ये एक हाईएस्ट डैम है एशिया में, ठीक है, आर्क डैम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया। तो इडुकी डैम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चोला डायनेस्टी खत्म होने के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? किसके द्वारा हराया गया था? पांड्या डायनेस्टी के द्वारा हराया गया था। देखिए, कपिल दर्शन जो है ये समाख्या द्वारा ये किया गया है, ठीक है, कपिल दर्शन समाख्या इसका आंसर होगा। संस्कृत महोत्सव 2017 में कौन सा एडिशन हुआ था? संस्कृत महोत्सव का 2017 में जो करेंट का क्वेश्चन है, सेवेंथ एडिशन था। क्वेश्चन रिलेटेड टू द फोलम आया है, फोलम से क्वेश्चन आया है। देखिए, फोलम किस से होता है? ये खाना, ये फूड पहुंचाता है। फोलम फूड पहुंचाता है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में, या फिर अपर पार्ट से, जैसे कि सनलाइट से जो ये एनर्जी गेन करता है वो प्लांट, उसको वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाता है। उसी तरह जाइलम होता है, जो जाइलम वाटर के लिए होता है, वाटर वो रूट से पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। विच कंट्री हेल्प बांग्लादेश इन फाइनेंशियल हेल्प? तो देखिए, इसके ऑप्शन के अनुसार मोस्ट प्रोबली इंडिया हो सकता है या फिर चाइना हो सकता है। तो इंडिया आदि ऑप्शन में होगा, तो इंडिया आप आंसर मार सकते हो इसका। देखिए, फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास दिया होगा, एक्सलरेशन दिया होगा, तो आपको फोर्स खोजना होगा। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड आए हैं, बस इतना ही ज्यादा क्वेश्चन हमको मिला नहीं आज। देखिए, डोसाइल का साइनोनिम्स आया है, सिनोनिम्स। डोसाइल का सिनोनिम्स होता है, देखिए, मीक होता है, पैसिव होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव होता है, एमेनिएबल होता है। तो ये एक बार आप लोग पूरे सिनोनिम्स देख लीजिएगा। इक्विनिमिटी का भी सिनोनिम्स आया था। इक्विनिमिटी मतलब होता है कामनेस, काम, एकदम शांत स्वभाव का जो होता है, सेल्फ कंट्रोल, जो अपने ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कूल हेड, कूलनेस, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए और प्लीज प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए। और अगर आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखिए, क्योंकि पीछे के वीडियो से ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन जो है ना, जिस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया होगा उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।